हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है इसके ऑफिशियल साइट पे। चलिए हम आप लोगों को इसके नोटिस बोर्ड पे लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि क्या है वो बड़ी अपडेट। तो चलिए यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जैसे यहाँ आइएगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सूचना पट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके सूचना पट पे जैसे क्लिक करिएगा 7/5/2019 के डेट में यहाँ पे देख सकते हैं 7/5/2019 210/2010 के विरुद्ध एक नोटिस आया है। क्लिक हेयर टू व्यू द रिजल्ट फॉर द एडवर्टीजमेंट नंबर 2010 असिस्टेंट टीचर का जो वैकेंसी आया था 2010 में उससे रिलेटेड है। तो जैसे इस पे क्लिक करिएगा इसका पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम डाउनलोड करके रखे हैं तो आपको हम आप दिखा देते हैं कितने रिजल्ट दिया है और इससे क्या रिलेटेड है फुल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ विज्ञापन संख्या 210/2010 पद सहायक प्राथमिक शिक्षक के अवशेष 2213 पदों के संबंध में इसका रिजल्ट जो है पब्लिश्ड किया गया है 7/5/2019 को। ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। जो लोग अपना रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किए हैं जाके इसके ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें से आप यहां पे देख सकते हैं 2204 पदों में से 244 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण अनुशंसा स्थगित रखी जा रही है। आयोग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में कागजातों के सत्यापन के बाद उनकी अनुशंसा के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। काउंसलिंग का कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट इस पर आपको पब्लिश किए जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनकी अनुशंसा स्थगित रखी गई है उनका अनुक्रमांक नीचे है, तो इन कैंडिडेटों को अभी पोस्टपोन में रखा गया है। वेट लिस्टेड रिजल्ट ऑफ जनरल सब्जेक्टेड में रखा गया है, तो ये लोग सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं वहाँ पे जिसका रिजल्ट या सॉरी दोस्तों जिसका आपको काउंसलिंग का डेट जल्दी पब्लिश करेगा इसी साइट पे, तो इसका भी हम नोटिफिकेशन आप लोगों को दे देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।